हुआ यूँ कि प्लेट धोते धोते मेरे हाथ से प्लेट गिर के टूट गई और मेरा मैनेजर मुझ पर चिल्लाने लगा कि कैसे मैं कैसे काम करें और कैसे मैंने उसके $5 का नुकसान कर दिया। सिर नीचे था मेरा और सुन रहा था मैं, क्योंकि ऊपर देख के जवाब देने की ना तो हिम्मत थी और ना ही औकात। दिन कुछ खास अच्छा जा नहीं रहा था। जैसे तैसे अपनी शिफ्ट पूरी करी और घर की तरफ बढ़ चला। अब जैसे जैसे मेरा घर पास आ रहा था, मेरा मूड बेहतर होता जा रहा था, क्योंकि घर में अमायरा थी। अमायरा वो थी जो पिछले कुछ 14 साल से मेरे साथ थी। अमायरा वो थी जो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अमायरा वो थी जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। और अमायरा वो थी जो मेरा ध्यान कुछ इस कदर रखती थी कि जब मैं घर से निकलने लगता था ना, तो मेरा वॉलेट और मेरा हैंकी मुझे पकड़ा दिया करती थी, क्योंकि मैं तो अक्सर भूल ही जाता था लड़का होना। पर देखो, कम मैं भी नहीं था। खाना बनाना आता है मुझे, और उसके नेल पेंट लगाने में और बाल बनाने में भी मदद कर देता था मैं। ऐसे में देखो, बाल बनाने का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं घर पहुंचा, अमायरा ने मुझे थोड़ा पानी पिलाया और हम खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद अमायरा तो सोने चली गई और मैं दो कदम सैर करने बाहर निकला। अच्छा, एक बात बता देता हूँ आपको कि हर लड़की की तरह अमायरा के भी कुछ स्टूपिड से सपने थे। उसका एक सपना ये था कि एक दिन उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे डिज्नीलैंड जाके प्रपोज करेगा। तो मैं जब सैर करने बाहर निकला तो मुझे वहाँ पे इक्षा मिली। इक्षा वो थी जो मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी, जिसे सब कुछ पता था मेरे बारे में, जिसे ये पता था कि मैं अमायरा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो एक और सीक्रेट जो अभी तक सिर्फ मुझे और इक्षा को पता था, पर अब वो तुम लोगों को भी पता होगा, कि पिछले कुछ 4-5 साल से ना मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि मैं अमायरा का वो सपना पूरा कर सकूँ। और इक्षा मुझसे रोज पूछती थी कि मुश्किल नहीं है तेरे लिए, इज इट हार्ड फॉर यू, वॉजेंट इट हार्ड फॉर मी, इट अप मी डेली। पर मुझे वो करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो सब वर्थ था। तो फाइनली वो दिन आया। कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद हम डिज्नीलैंड चले गए। आप में से कोई गया डिज्नीलैंड? मत जाना, इट्स अ स्टूपिड प्लेस, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी जस्ट टू सी पीपल ड्रेस्ड एज कार्टून्स। पर चलो, हम चले गए। अमायरा काफ़ी खुश थी डिज्नीलैंड जाके, और उसको खुश देख के मैं तो खुश ऑब्वियसली था। पूरा दिन अच्छा जा रहा था। हम घूम फिर रहे थे। रात का टाइम, लाइट्स ऑफ कर दी गई, आतिशबाजी का टाइम था, सब लोग इकट्ठा हो गए और आतिशबाजी हुई। बहुत खूबसूरत नज़ारा था वो, पर उस नज़ारे को देख के अमायरा के चेहरे पर जो नूर था ना, उसके सामने तो पूरा डिज्नीलैंड फीका भर गया था। आतिशबाजी ख़त्म हुई, लाइट्स ऑन करने का समय, पर लाइट्स ऑन हुई नहीं। लोगों में थोड़ा बहुत शोर सा मचा। कुछ 2 मिनट बाद लाइट्स ऑन हुई, तब तक मैं वहाँ के सारे कार्टून्स के साथ अपने घुटनों पर आ चुका था। अमायरा ने मुझे देखा और वो रोने लगी जैसे हर लड़की रोती है, कुछ हाथ मुंह पे रख के, समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा कि अमायरा, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। वो भाग के मेरे पास आई, उसने मेरे चेहरे को पकड़ा और मेरे माथे को चूम लिया। और ये देख के इच्छा की आंखें भर आई, क्योंकि एक बाप और एक बेटी को ऐसे देख के एक माँ का दिल भर आया था। Yes, you guessed it right. I did it for my daughter. Thank you so much, people. This is Amandeep Singh signing off. Thank you so much.